गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। और यहाँ पर एक बहुत ही कूल प्रोडक्ट, लेटेस्ट प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, आ गया है मेरे पास। ये है JBL Go 3। अब JBL के प्रोडक्ट्स के लिए मैं हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। और ये तो एक फेमस प्रोडक्ट है JBL की गो सीरीज का, ये है JBL Go 3। अब इससे पहले मैंने JBL Go और JBL Go 2 भी रिव्यू करे हुए हैं, आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी। तो आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट JBL Go 3। एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या फीचर, क्या धमाकेदार साउंड आपको इस स्पीकर में मिल जाती है। दोस्तों, ये रहा है बॉक्स इस स्पीकर का JBL Go 3। यहाँ पर हमेशा से JBL की पैकिंग जो है ऐसी ही मिल जाती है। अब यहाँ पर ये पुराना बॉक्स मेरे पास रखा है JBL Go 2 का, तो आप देखिए पैकिंग जो है सिमिलर है, हमेशा से JBL की पैकिंग ऐसी रहती है। और कुछ ऐसे लुक में स्पीकर होने वाला है, लेकिन स्पीकर कुछ अलग इस बार मिल जाता है यहाँ पर। और बॉक्स की बात करें तो ये रही है बॉक्स, और बॉक्स की डिटेल की हम बात नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बॉक्स को खोल लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट होने वाला है। सो ये आ गया हमारा यहाँ पर स्पीकर, इसको निकाल लेते हैं और रख लेते हैं यहाँ पर। और ये छोटा सा रोल मिल जाता है, आप देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको पेपर वर्क है, साथ में छुपी हुई है एक टाइप सी केबल। अब ये जो टाइप सी केबल है, यहाँ पर क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है देखने में, ये फर्स्ट लुक के अंदर अच्छी क्वालिटी की केबल आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ और कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, बहुत सारा पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में, आ जाते हैं अपने मेन स्पीकर की तरफ। दोस्तों, ये आ गए हैं यहाँ पर JBL Go 3। और सबसे पहले बात कर रहे थे इसके लुक की, इन हैंड फील की, कि कैसी क्वालिटी स्पीकर के अंदर आपको मिल जाती है। यूजुअली JBL के स्पीकर सारे ही प्रीमियम क्वालिटी में मिल जाते हैं, और ये जो JBL Go 3 है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको लुक दे देता है। बहुत सारी फंकी कलर्स आपको मिल जाते हैं। आप अगर सामने की तरफ देखें तो JBL की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, पीछे भी कुछ यहाँ पर टेक्सचर फिनिश आपको मिल जाती है, नीचे भी यहाँ पर ये लाइंस दी गई हैं ताकि एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाए गिरने से। ये जो अगर आप इसे रखेंगे भी तो आपको एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाएगी। साइड में यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक स्ट्रैप मिल जाता है। अगर इस साइड की बात करें तो पावर ऑन ऑफ बटन है, एक पेयरिंग मोड का बटन है, और यहाँ पर Go 3 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और ऊपर देखें तो आपको तीन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के और प्ले पॉज के, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसकी पोर्टेबिलिटी की बात करूँ तो एक हाथ में आप देखें मैंने इसे पकड़ा हुआ है अच्छे से, आप मतलब एक हाथ के अंदर आपका जाता है, छोटा सा साइज है। वजन की बात करें तो 210 ग्राम है, लाइट वेट स्पीकर है। ओवरऑल पोर्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा स्पीकर है, लुक्स के मामले भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। और अब बात कर लेते हैं बाकी स्पेसिफिकेशन की इस स्पीकर की। ये जो है ब्लूटूथ 5.1 के साथ है, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन के साथ आता है। यूजुअली ज़्यादातर जो पहले स्पीकर्स अभी आ रहे हैं वो ब्लूटूथ 5 के साथ ही आ रहे हैं, ये ब्लूटूथ 5.1 के साथ मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो कि लेटेस्ट है, और साथ ही साथ IP67 रेटिंग है, यानी अगर आप इसे आउटडोर यूज़ करना चाहें तो थोड़ा बहुत पानी डस्ट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, पानी में आप इसे डुबा नहीं सकते हैं। अगर बाकी चीज़ों की बात करें कि इसके अंदर आपको जो ड्राइवर है वो मिल जाता है, 4.2 वॉट का ड्राइवर आपको उसके अंदर मिल जाता है। जो प्लेबैक टाइम है वो आपको 5 घंटे का मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कमी लगी है, प्लेबैक टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता तो काफ़ी मज़ा आने वाला था। और चार्जिंग टाइम जो है वो 2 घंटे का है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप चार्ज करते हुए भी इसको प्ले कर सकते हैं। और ये तो थी सारी स्पेसिफिकेशन की बात, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, प्ले करके देखते हैं कि कैसी साउंड क्वालिटी रहती है। और कुछ कमियाँ भी हैं वो भी मैं आगे आपको उसके अंदर बताऊँगा। एक और बात बता दूँ कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है, वियतनाम में बना हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आपने इसका साउंड टेस्ट सुन लिया है, और अब बात आती है क्या क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है।
तो साउंड टेस्ट मुझे जो लगा है बहुत ही इम्प्रेसिव लगा है यहाँ पर। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है। यूजुअली JBL के स्पीकर में क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसमें भी काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी आपको मिल जाती है। बेस सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया है, मतलब इतना छोटा सा स्पीकर है और इतनी ज़बरदस्त पंची बेस आपको मिल जाती है, मतलब पावरफुल बेस है अगर आप इसे प्ले करेंगे। और काफ़ी बड़ा रूम है मेरा यहाँ पर, जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यूजुअली मतलब इतना ज़्यादा लाउडनेस नहीं मिलती है जो कि इस स्पीकर के अंदर मुझे देखने को मिल रही है। 4.2 वॉट की आउटपुट के साथ काफ़ी गजब का ये जो है लाउडनेस, बेस, क्लैरिटी सब कुछ रहता है। तो अगर यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है JBL सिग्नेचर साउंड है, क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है। अब बात आती है कि कमियाँ क्या हैं इस स्पीकर के अंदर। जाहिर सी बात है कुछ कमियां भी होने वाली हैं स्पीकर के अंदर। कमी सबसे बड़ी ये है कि प्लेबैक टाइम थोड़ा सा कम है, प्लेबैक टाइम आपको 5 घंटे का मिल जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता तो अच्छी बात होती। दूसरी कमी ये है कि आप इसे कॉल्स वगैरह आंसर नहीं कर सकते हैं, इस स्पीकर के अंदर आपको बिल्ट इन माइक या कॉल्स आंसर करने का फीचर नहीं मिलता। यूजुअली ये सारे ही सस्ते स्पीकर के अंदर मिल जाता है, तो पता नहीं JBL ने इसमें से ये फीचर क्यों हटा दिया है, तो वो आपको नहीं मिलता। बस ये दो चीज़ें थी जो यहाँ पर स्पीकर के अंदर नहीं मिलती। बाकी स्पीकर के जो प्राइस हैं वो है 3,000 रुपये, 2,999 रुपये में। इसे मैंने अमेजन से खरीदा है, आप चाहें तो वहीं से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लेकिन अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर चाह रहे हैं, लाइट वेट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप JBL गो 3 के लिए जा सकते हैं, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये स्पीकर भी पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आता हूं रोज ऐसी चीजें, ऐसी वीडियोस, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे गैजेट्स, काम भी आए। दोस्तों मैं हूं वहीं, खुदा हाफिज़, बाय बाय।